अच्छा, ये आपने बात बोली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी चीज़ें गलत बताई। क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके ऊपर नज़र काफ़ी रख रहे हैं? अब वो बड़े पर्सनल अटैक पर आ गए हैं, वो बोलते हैं 12 बजे सो के उठते हैं, कोई ट्यूटर आता है, पता कैसे चल जाता है उनको ये सब? हम तो इस बहुत साधारण सी बातें जानते हैं कि जो खिसिया जाए और जो पहलवान हारने लगे वो पहलवान क्या करता है, जो पहलवान हारने लग जाए तो वो क्या करेगा। और देखिए आप, पलायन मुख्यमंत्री जी का कैसे किया बीजेपी ने, जो कोई मथुरा मांग रहे थे सीट, फैजाबाद की सीट मांग रहे थे, अयोध्या मांग रहे थे, वहाँ पर प्रयागराज में कोई सीट मांग रहे थे, कितना अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने उनका पॉलिटिकल पलायन करा कि उन्हें उनके घर भेज दिया गोरखपुर, अब यहाँ रहिए। और लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री जी अब यूपी में लखनऊ में नहीं रह रहे हैं, अब गोरखपुर में रह रहे हैं। जो चुनाव से पहले गोरखपुर चला गया हो, अभी तो जनता ने मतदान नहीं किया है, मतदान कर करके इन्हें गोरखपुर भेजेंगे। निशांत ने जो पूछा है अखिलेश जी, उसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, आप रहते हैं विक्रमादित्य मार्ग पर, वो रहते हैं कालिदास मार्ग पर, अगर आपका अलार्म भी बजेगा तो वहाँ सुनाई नहीं पड़ेगा, उन्हें खबर कैसे हो जा रही है आप उठते कितने बजे? मैंने आपसे कहा कि उनका कोई प्राइवेट नंबर दे दो जिससे जैसे ही मैं उठूं उनको फोन करके बता दूं कि मैं उठ गया हूं। ये ऑफर है आपकी ओर से? हाँ, ये ऑफर है। दे दें और कहें कि कल से मैं उनके जो ऑपरेटर हैं उनको बता दिया करूंगा। लेकिन सहूलियत मेरे लिए होगी कि ऑपरेटर की बात खत्म हो जाए, हम सीधे बोल दिया करेंगे उन्हें, या अपना व्हाट्सएप नंबर अगर चलाते हो तो व्हाट्सएप भेज दें, सुबह मैं गुड मॉर्निंग कर दिया करूंगा। आप दोनों की बातचीत होती है? वो तो कहते हैं मैं फोन करता हूं, उठते नहीं है। केवल एक दूसरे के जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाई, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं पॉलिटिकल ट्रेडिशन, उन पर भरोसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। पर आपको अच्छा। पर आपको हिस्की तो आती होगी, रोज याद करते हैं आपको, रोज एक ट्वीट उनका सुबह सुबह आता है, आज भी आया है आपके लिए, मैं बताऊं क्या? वो इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने जितने बुरे काम किए हैं, लोगों को जितना सताया है, अब वो जाने वाले हैं, अब उन्हें नींद कैसे आएगी? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना, कोरोना सिर्फ मौका देखता है। लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए, बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।